अगर आप सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर थोड़ा भी एक्टिव हैं तो बीते दिनों में आपने भी एक डार्क स्किन कलर वाली लड़की के सड़क पर गुलाब बेचने के वीडियो देखे होंगे। एक लड़की के वीडियो सोशल मीडिया पर खासे वायरल हैं जिसमें वो सड़क पर लोगों को फूल बेच रही है। इसके अलावा एक वीडियो में वो सड़क किनारे तिरंगा झंडा लेकर खड़ी है। वीडियोस काफी वायरल हुए और इस कथित डार्क स्किन कलर वाली लड़की की सुंदरता पर लोग दिल हार गए। उसके स्माइल पर लोग फिदा हो गए। हर कोई उसे असल में फूल बेचने वाली समझने लगा। लोगों ने वीडियोस को असली मानकर जमकर शेयर किया। अब वायरल होने के बाद लड़की की सच्चाई सामने आई है। लड़की कोई फूल बेचने वाली नहीं है बल्कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। जिस लड़की को लोग सड़क किनारे फूल बेचने वाली समझ रहे थे वो असल में एक मॉडल निकली। पहले तो आप ये देखिए। मॉडल के बारे में पता चलते ही लोगों ने आरोप लगाए कि अंशा ने लाइक्स के लिए वीडियोस बनाए और लाइक्स के लिए ही फोटोशूट करवाया। लोगों ने कहा कि इंस्टा पर फेमस होने के लिए अंशा ने अपनी स्किन का कलर डार्क कराया। केवल लाइक्स पाने के लिए लोग गरीबी और स्किन कलर का मजाक बनाते हैं। अब इसे लेकर लोग अंशा को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइक्स पाने के लिए और भी कई तरीके हैं, किसी की गरीबी और रंग का मजाक नहीं बनाना था। वहीं कुछ लोगों ने अंशा की तारीफ भी की है। दीपक नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा कि यू आर रॉकिंग, इस शॉट में आपके एक्सप्रेशन बहुत सच्चे दिख रहे हैं, तो आप अपना काम करती रहिए, एक दिन आप स्टार होंगी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गरीब दिखने के लिए अपना स्किन कलर डार्क करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सड़क किनारे फूल बेचने वाली महिलाओं का असल संघर्ष नहीं पता है। मालूम हो कि अंशा मोहन एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। इंस्टा पर अंशा के 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है हमें कॉमेंट करके बताइए, और ऐसी ही वायरल खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।